अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ गैलेक्सी का F54 5G वही दूसरी तरफ वीवो का Y200e 5G, इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ गैलेक्सी के F54 5G को 23,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं, वही दूसरी तरफ वीवो के Y200e 5G को 20,999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे तो सैमसंग गैलेक्सी F54 5G का प्राइस 3000 रुपीज ज्यादा, पर यह स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो वीवो के Y200e 5G से काफी जरा बेटर हो जाता है, क्योंकि एक तरफ गैलेक्सी के F54 5G में सैमसंग का एक्जिनोस 1380 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ वीवो के Y200e 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को गैलेक्सी के F54 5G में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन का अगर अंतत स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ गैलेक्सी के F54 5G का जो अंतत स्कोर निकल के आता है 5,00,000 के आसपास का देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ वीवो के Y200e 5G का जो अंतत स्कोर निकल के आता है 4,40,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ गैलेक्सी के F54 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,100 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ वीवो के Y200e 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2,700 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है गैलेक्सी का F54 5G। स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करें तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप लोगों को गैलेक्सी के F54 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक तरफ वीवो के Y200e 5G में 6.67 इंच की सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F54 5G में 6.7 इंच की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में भी काफी ज्यादा बेटर हो जाता है, गैलेक्सी का F54 5G बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही दूसरी तरफ वीवो के Y200e 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और फोन के बैक कैमरे से आप लोग सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है गैलेक्सी का F54 5G, क्योंकि गैलेक्सी के F54 5G में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ वीवो के Y200e 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है, पर गैलेक्सी के F54 5G के सेल्फी कैमरे से भी आप लोग 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि वीवो के Y200e 5G के सेल्फी कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो गैलेक्सी के F54 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जबकि वीवो के Y200e 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता। ऑडियो जैक की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो एक तरफ गैलेक्सी के F54 5G में 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ वीवो के Y200e 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 44W के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही एक तरफ गैलेक्सी के F54 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ
वीवो के Y200E 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। गैलेक्सी के F54 5G हर मामले में वीवो के Y200E 5G से काफी बेटर हो जाता है। तो अगर आप लोग भी 25,000 रुपीज से कम के प्राइस में बेस्ट वैल्यू फॉर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग 3,000 रुपीज ज्यादा खर्च करके गैलेक्सी के F54 5G को ही बाय करें।